तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम तो सभी लोग यूज करते होंगे, मैं भी यूज करता हूँ और आप भी यूज करते होंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम के अंदर जो हम पोस्ट करते हैं उसके नीचे यहाँ पे जो लाइक्स होते हैं वो हमको नहीं मिलते, साथ में हमारे यहाँ पे फॉलोअर भी ज्यादा नहीं बढ़ते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिनके जरिए आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉलोअर भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पे जो लाइक्स की तो बारिश होने वाली है। तो ये जेन्युइन तरीका, ऐसा नहीं भी कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे डर का खतरा भी होगा और उससे आपको लाइक और फॉलोअर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो तरीका बताने वाला वो जेन्युइन है। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि आपके जो फॉलोअर है और जो लाइक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाले है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम चले जल और टेक्निकल चल में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ एक जेन्युइन तरीका है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको कुछ भी ऐसे टूल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ जिनके जरिए यहाँ पे फास्ट यहाँ पे जो फॉलोअर इंक्रीज तो हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे वो उसके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब वो एक देखने के लिए यहाँ पे नंबर ही होगा, उसके आपको लाइक बाय वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको जेन्युइन जो तरीका बताने वाला उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, और साथ में जब भी आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं अपनी फोटो तो आपको तब कौन कौन से बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में और कुछ सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना है तभी यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉलोअर और लाइक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको आपको स्विच करके यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के अंदर जाना है, और उसको करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा आपको आपका जो फेसबुक पेज है वो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, साथ में कैटेगरी वगैरह यहाँ पे कुछ भी और मोबाइल नंबर जीमेल वो सब कुछ ऐड करना पड़ता है, तब जाके आपका जो बिजनेस अकाउंट बढ़ता है। इसका 2 बेनिफिट आपको मिलेगा। एक होगा यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम के जो भी यहाँ पे एनालिस्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो भी आप पोस्ट करेंगे फोटो वगैरह उसका एनालिस्ट पूरा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो लाइक्स है, फॉलोवर है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो सब कुछ कहाँ से आता है, क्या है, वो सब कुछ आपको टाइम के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप बिजनेस अकाउंट करते हैं तो। फिर इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे बेनिफिट वो होगा कि अगर आपके अकाउंट पे आपके प्रोफाइल पे कोई भी बंदा आता है तो वो देखेगा कि ये तो बिजनेस अकाउंट है, मतलब एक प्रोफेशनल वेब अकाउंट है, तो वो यहाँ पे उसको अगर अच्छा लगे ना वो तो आपको फॉलो जरूर करेगा। तो इसका ही आपको 2 बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जब भी आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे पोस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे फोटो वगैरह, तो आपको कौन से बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे यहाँ पे प्लस के अकाउंट पे क्लिक करके आप जो भी यहाँ पे फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे ही ऐड नहीं कर देना, आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब इसका जो फुल साइज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिल्टर और भी कुछ करना नहीं है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट एक कैप्शन, यानी कि आपको कैप्शन देना बहुत ही जरूरी है, और इसके अंदर ही बहुत सारे कुछ ऐसे टैग भी जरूरी है जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होता। टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी फोटो को यहाँ पे रैंक करवाने में, यानी कि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लाइक्स और यहाँ पे फॉलोअर चाहिए तो इम्पोर्टेंट है हैशटैग। जी हाँ, तो यहाँ पे हैशटैग अगर आपको डालना नहीं आता, मतलब जो पॉपुलर हैशटैग है, वायरल हैशटैग है, वो अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, मतलब आपको ये सब नहीं करना है, तो आप कैसे अपनी कैटेगरी वाइज, मतलब आपकी पोस्ट से रिलेटेड अगर आप हैशटैग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे, तो चलिए उसके लिए एक एप्लीकेशन है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि जिसका नाम है हैशटैग
जनरेटर, तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको सारे कैटेगरी वाइज अपने पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो हैशटैग है वो देखने को मिल जाएगा और वो भी पॉपुलर है। सिंपल सा इस ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको नीचे यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको साइन इन कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया और यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग पॉपुलर और वायरल जो हैशटैग होंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अपने इस ऐप से। यानी कि यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चॉइस करना होगा हैशटैग। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंडिंग है, फॉलोअर्स, मीम्स, एनिमल्स वगैरह, यहाँ पे कार जैसे बहुत सारे सेलिब्रेट और कंट्री वगैरह जैसे कि अपने हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा हैशटैग। तो आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपका मीम्स आपने यहाँ पे पोस्ट कर दी, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोड होगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हैशटैग देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हैशटैग आ जाएगा और उसको कॉपी करने के लिए सिंपल आपको नीचे कॉपी का बटन भी दिया है और शेयर का बटन भी दिया है, तो आप कॉपी कर लीजिए। जैसे आप कॉपी करेंगे फिर से आपको इंस्टाग्राम की जो आपने पोस्ट रखी है वहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पर इस तरह से डाल नहीं देना है। सबसे पहले तो आपको कैप्शन देना है, मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैं निकाल देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से आपको डॉट यहाँ पे इस तरह से डॉट एंटर इस तरह से नीचे जाना है और यहाँ पे लास्ट में नीचे आपको ये सब पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने हैशटैग डाला है या नहीं, मतलब यहाँ पे जो जब पोस्ट होगी यहाँ पे होम पेज पे तो आपको ये हैशटैग देखने को नहीं मिलेगा, वो नीचे रह जाएगा, मतलब मोर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कर देना है। फिर लास्ट में आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एड लोकेशन जरूर करना है अपने हिसाब से। आपको ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर है या फिर जहाँ पे फोटो कैप्चर की वही लोकेशन दे, आपको लगता है कि यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो आप उससे सब सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अहमदाबाद इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिंपल सा शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए आपको बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे और वो भी हैशटैग के जरिए। और आगे मैंने आपको जो टिप्स और सेटिंग बताया वो आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये सब अगर आप यहाँ पे जो मैं टिप्स और सेटिंग बताया वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% यहाँ पे लाइक्स और यहाँ पे जो फॉलोअर है वो इंक्रीज जरूर होगी। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा था, ये तरीका कैसा था वो मुझे नीचे कमेंट जरूर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को सोलह सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर देना, मैं इसका जरूर दूंगा। और आपको हमारे चैनल नहीं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन प्रेस करना तो हर आने वाली वीडियो की जानकारी वो मिल सके। तो बस फ्रेंड मिलते अगले वीडियो में।